नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार, मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 310 सप्ताह तक एटीपी रैंकिंग में नंबर एक पर बने रहने के स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। पिछले महीने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने में पाई थी सफलता। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने मैदान के बाहर खेली शतकीय पारी। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर, 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले एकमात्र भारतीय भी हैं कोहली। आज से शुरू होगी स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता। महिला एकल में पीवी सिंधु और साइना पर रहेगी नजर। सेमीफाइनल में हो सकती हैं दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने। और स्पेनिश पुलिस ने बारसा गेट प्रकरण में बार्सिलोना स्टेडियम में मारा छापा। क्लब के पूर्व अध्यक्ष जोसेप मारिया को किया गिरफ्तार। खबर विस्तार से। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 310 सप्ताह तक एटीपी रैंकिंग में नंबर एक पर बने रहने के रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पिछले महीने 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन की ट्रॉफी जीतने वाले जोकोविच अगले हफ्ते 311 हफ्ते शीर्ष पर रहकर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फरवरी में रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम करने वाले सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एक और कारनामा अपने नाम कर लिया है। शानदार फॉर्म में चल रहे जोकोविच ने रोजर फेडरर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। फेडरर के नाम सबसे ज्यादा 310 हफ्ते तक नंबर एक पर रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। जोकोविच ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब अगले हफ्ते ये रिकॉर्ड टूटना तय है। जोकोविच ने हाल ही में रूस के वर्ल्ड नंबर 4 डेनिल मेदवेदेव को लगातार सेटों में 7-5, 6-2, 6-0 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ने वर्ल्ड रैंकिंग को फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब है कि किसी भी खिलाड़ी के जीतने या हारने से जोकोविच की रेटिंग और रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में जोकोविच 7 मार्च को लगातार 310 हफ्ते नंबर एक पर रहने का रिकॉर्ड पूरा कर लेंगे। 8 मार्च को वे 11वें हफ्ते में नंबर एक के साथ एंट्री करेंगे और फेडरर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। जोकोविच पिछले साल 3 फरवरी को एटीपी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे, तब से वे नंबर वन बने हुए हैं। इससे पहले वो जुलाई 2014 से नवंबर 2016 तक नंबर एक पर रहे थे। जोकोविच के अब 12,030 पॉइंट्स हो गए हैं। ये नडाल, डेनिल मेदवेदेव और डोमिनिक थीम से 2,000 पॉइंट्स ज्यादा है। नडाल अपने करियर में 209 सप्ताह तक नंबर एक पर रह चुके हैं। सबसे अधिक दिनों तक रैंकिंग में नंबर एक पर रहने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो जोकोविच और फेडरर शीर्ष पर हैं। दोनों ने सबसे अधिक 310 सप्ताह तक नंबर एक पर रहने का कारनामा किया है। इसके बाद पीट सैंपरास का नंबर आता है, जिन्होंने 286 सप्ताह तक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। वहीं इवान लैंडल 270, जिमी कॉर्नर्स 268, राफेल नडाल 209 हफ्ते तक नंबर एक की कुर्सी पर राज जमा चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जोकोविच के करियर का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब रहा है। वे रोजर फेडरर और राफेल नडाल के 20-20 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। 2021 मेंस टूर के शुरू होने के बाद से ही जोकोविच शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। जोकोविच टेनिस इतिहास के चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम 9 बार जीता है। इससे पहले मार्गरेट कोर्ट ने 11 ऑस्ट्रेलियन ओपन, मार्टिना नवरातिलोवा ने 9 विंबलडन और राफेल नडाल ने 13 फ्रेंच ओपन जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर फाइनल से आगे निकलने के बाद उनका रिकॉर्ड 9-0 का है, यानी जब भी सेमीफाइनल या फाइनल में वो पहुंचे हैं उन्होंने खिताब जीता है। 2018 सीजन के मध्य से जोकोविच ने पिछले 10 में से 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उन्होंने 1 यूएस ओपन, 2 विंबलडन और 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। जोकोविच ने अपने पिछले 12 में से 10 मेजर फाइनल जीते हैं। 2015 के मध्य में उनका मेजर फाइनल का रिकॉर्ड 8-8 था, लेकिन उसके बाद से ये 10-2 है। उन्हें 2016 के यूएस ओपन फाइनल में स्टैनिस्लास वावरिंका और 2020 के फ्रेंच ओपन फाइनल में राफेल नडाल ने मात दी थी। 2020 की शुरुआत के बाद से नोवाक जोकोविच 50 मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी हैं। 2020 सीजन की शुरुआत के बाद से उनका रिकॉर्ड 50-5 है। 30 का पड़ाव पार करने के बाद ये जोकोविच का 6वां ग्रैंड स्लैम है। ओपन एरा में 30 साल पूरा करने के बाद ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में नडाल के साथ संयुक्त रूप से वो दूसरे स्थान पर हैं। सेरेना विलियम्स के खाते में 10 ग्रैंड स्लैम हैं। 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद जोकोविच ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर रोजर फेडरर या राफेल नडाल के रिकॉर्ड पर नहीं, बल्कि मार्केट कोर्ट के 24 और सेरेना विलियम्स के 23 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड पर है।
जिस अंदाज में जोकोविच आगे बढ़ रहे हैं उससे कोई बड़ी बात नहीं कि वो ये रिकॉर्ड्स भी जल्द ही तोड़ते नजर आए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की लोकप्रियता दुनिया में अपना डंका बजा रही है। क्रिकेट के मैदान पर तो उन्होंने खूब रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी किंग कोहली रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली भले ही मैदान पर पिछले काफी समय से शतक नहीं लगा पाए हों, लेकिन मैदान के बाहर उन्होंने एक शतकीय पारी खेलकर सभी को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 70 शतक जड़ चुके विराट कोहली का ये शतक काफी अहम माना जा रहा है। कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार कर ली है। अभी तक कोई भी क्रिकेटर इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाया है। इतना ही नहीं, भारतीय होने के नाते भी विराट कोहली ने इतिहास रचा है। किसी भी भारतीय अभी तक इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या पार नहीं की है। विराट इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या अब 100 मिलियन के पार हो गई है। हालांकि फुटबॉल जैसे खेल से जुड़े दिग्गजों ने 100 मिलियन फॉलोअर्स का बार पहले ही पार किया हुआ है, लेकिन विराट कोहली इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। वे इस फहरिस्त में जुड़ने वाले दुनिया के 5वें एथलीट हैं। इस खास उपलब्धि को हासिल करने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी विराट को बधाई दी है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के मामले में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं। वहीं रेसलर और एक्टर ड्वेन जॉनसन दूसरे, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी तीसरे और ब्राजील के फुटबॉलर नेमार चौथे नंबर पर हैं। इंस्टाग्राम पर ओवरऑल फॉलोअर्स के मामले में 23वें नंबर पर हैं। इस मामले में खुद इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा 387 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भारत में फॉलोअर्स के मामले में विराट टॉप पर हैं। उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया है। दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली लंबे समय से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ते आ रहे हैं। वो तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में शीर्ष 10 बल्लेबाजों में शामिल हैं। वनडे में वे टॉप पर हैं, जबकि टेस्ट में 5वें और टी20 में 7वें स्थान पर काबिज हैं। उन्होंने 251 वनडे में 59.31 की औसत से 12,040 रन बनाए हैं, जबकि 90 टेस्ट मैचों में 7,490 रन बना चुके हैं। वहीं 85 टी20 में उन्होंने 2,928 रन बनाए हैं। कप्तानी में भी वो दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड अपने नाम करते जा रहे हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भारत को जीत दिलाई थी। उन्होंने घर में सबसे ज्यादा टेस्ट में जीत हासिल करने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने भारतीय जमीन पर 21 टेस्ट में जीत हासिल की है, जबकि कोहली ने 29 टेस्ट में 22 मुकाबले जीते हैं। कोहली अब भारत को भारत में सबसे ज्यादा जीत दिलाने के मामले में पहले स्थान पर आ गए हैं। विराट पहले ही टेस्ट क्रिकेट में विदेशी जमीन पर भारत के सबसे सफल कप्तान बन चुके हैं। विदेश में उनकी कप्तानी में भारत ने 30 मैचों में से 13 में जीत हासिल की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। 58 वर्षीय शास्त्री ने इसके लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को शुक्रिया भी कहा। शास्त्री ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें वे कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लग गई। मेडिकल प्रोफेशनल्स और वैज्ञानिकों को धन्यवाद जिन्होंने महामारी के खिलाफ भारतीय झंडा बुलंद किया। देश में सोमवार से दूसरे चरण का वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हो चुका है, जिसमें इसके दायरे को बढ़ाते हुए वरिष्ठ नागरिकों, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जा रही है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना मंगलवार को जारी आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग की लिस्ट में 2 स्थान के नुकसान के साथ 6ठे स्थान पर खिसक गई। स्मृति के 732 अंक हैं, जबकि झूलन गोस्वामी गेंदबाजों की सूची में 5वें स्थान पर बरकरार हैं। एक अन्य अनुभवी भारतीय खिलाड़ी मिथाली राज 687 अंक के साथ 9वें स्थान पर हैं और बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं। झूलन के 691 अंक हैं। वहीं पूनम यादव, शिखा पांडे और दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की सूची में टॉप 10 में शामिल हैं। ये सभी अपनी पिछली रैंकिंग पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की जेस जॉनसन 804 अंक के साथ शीर्ष पोजीशन पर कायम हैं। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में दीप्ति 359 अंक के साथ 4थे स्थान पर बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पैरी शीर्ष पर हैं।
आज से स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, जहां भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पोडियम पर पहुंचने और पूर्व चैंपियन साइना नेहवाल लय हासिल करने पर ध्यान देंगे। पुरुष एकल खिलाड़ियों में समीर वर्मा, एचएस प्रणॉय और किदांबी श्रीकांत भी प्रतियोगिता में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे। इस टूर्नामेंट से ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं की बहाली भी होगी। दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु पहले दौर में तुर्की की नेस्लिहान इगिट से भिड़ेंगी। सिंधु की क्वार्टर फाइनल तक की राह आसान लग रही है, लेकिन अंतिम आठ में उनका मुकाबला पांचवी वरीयता प्राप्त थाई खिलाड़ी बुसानन ओंग बांग रंगफान से हो सकता है। दो बार की पूर्व चैंपियन साइना भी सिंधु वाले हाफ में ही हैं। सेमीफाइनल में ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने हो सकती हैं। भारतीय टेबल टेनिस धुरंधर मनिका बत्रा और हरमीत देसाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के साथ शानदार वापसी की है। दोहा में चल रहे विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर सीरीज के दूसरे दौर के क्वालिफाइंग मैच में इन दोनों ने सीधे गेम्स में जीत दर्ज की। मनिका बत्रा ने स्पेन की सोफिया शुआनझांग को 12-10, 14-12, 11-8 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल में दुनिया के 73वें नंबर के खिलाड़ी हरमीत देसाई ने हमवतन एंथनी अमलराज को 11-5, 12-10, 11-8 से मात दी। ये टूर्नामेंट कोरोना महामारी के बाद से भारतीय खिलाड़ियों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी है। ब्रिटेन के एंडी मरे ने रोटरडैम ओपन में जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है। मरे ने पहले दौर के मुकाबले में नीदरलैंड्स के रॉबिन हास को 3 सेट तक चले मुकाबले में 2-6, 7-6, 6-3 से पराजित किया। मरे को इस मुकाबले को जीतने में 2 घंटे 29 मिनट का समय लगा। वहीं टूर स्तर पर ये उनकी पिछले साल US ओपन के बाद से पहली जीत रही। ओलंपिक के साल में भारतीय कुश्ती इस महीने एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रोम रैंकिंग सीरीज के लिए खुद को तैयार करने में जुटी हुई है। इसके लिए सोनीपत के साई सेंटर में इन दिनों भारतीय टीम का कैंप लगा हुआ है। रोम रैंकिंग सीरीज इटली में आयोजित होगी। पेश है हमारे संवाददाता गौरव कुमार की सोनीपत से ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से दुनिया उबर रही है और धीरे धीरे खेल प्रतियोगिताओं पर लगातार भी खुल रहा है। ऐसे में भारतीय खेल में अपनी एक अलग जगह रखने वाली कुश्ती में पहलवानों की ये जोर आजमाइश इस महीने होने वाली रोम रैंकिंग सीरीज को लेकर है। इटली में होने वाला ये इवेंट ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट तो नहीं है, लेकिन ओलंपिक से पहले किसकी क्या तैयारी है इसको जानने का एक अहम मंच है। तैयारी जो है वो बखूबी है। पहलवान यहाँ अपने आप को मांझने में, सब तरीके के दांव आजमाने में लगे हुए हैं और इनके साथ इनके जो कोच हैं वो भी पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं कि पहलवानों की हर बारीकी को परखा जाए, कोई भी जो कमी है उसको पूरा किया जाए और उनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को लगातार बनाए रखा जाए। क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड के दौर में जिस तरह से अभ्यास पर रोक लगी, उससे रेसलिंग भी का जो खेल था वो भी कोई अछूता नहीं रहा। भारतीय दल का नेतृत्व बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट करेंगे। प्रतियोगिता 4 मार्च से 7 मार्च तक खेली जाएगी, जिसमें 32 देशों के 300 से भी ज्यादा पहलवान हिस्सा लेंगे। पहलवानों के हर दांव पेच पर बेहद करीब से नजर रख रहे कोच मानते हैं कि कोरोना के चलते कुश्ती के खेल को नुकसान तो हुआ, लेकिन अब तैयारी पटरी पर है। इसमें थोड़ा नुकसान तो हुआ है, पर इतना नहीं, क्योंकि पहलवान अगर वैसे भी अकेला होता तो अपनी एक्सरसाइज, अपनी प्रैक्टिस वो करता ही है। पूरी टीम हमारी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से हमारी ट्रेनिंग चल रही है और अभी नेक्स्ट हमारे जो टीम जा रही है अपना वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में इटली के लिए, तो वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो अप्रैल में हमारा ओलंपिक क्वालिफाइंग है उसके लिए हमारे पहलवान बिल्कुल तैयार हैं। जो भी अच्छे नेशनल लेवल पे थे या जो हमें उम्मीद थी कि भाई ये ओलंपिक क्वालिफाई कर पाएंगे या जो क्वालिफाई कर चुके थे, उन्हें सब ने अपना दो दो तीन तीन अपने पार्टनरों के साथ एक्सरसाइज ना करके इंडिविजुअल एक्सरसाइज को रेफरेंस ज़्यादा दिया और अब अपने सेंटर पर उन्हें एक्सरसाइज जारी रखी, क्योंकि इसमें झटका बहुत लगा है उस टाइम की परफॉर्मेंस में और आज जो बीच का गैप है उसको रिकवरी करने में समय लग रहा है, लेकिन ये कहे कि कंटिन्यू रहा तो हमारे पहलवान उसमें कामयाब रहे।
रोम रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवानों की बात करें तो पिछले साल बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वैसे इस प्रतियोगिता में भारत का 34 सदस्यीय दल भाग ले रहा है, लेकिन खास बात यह है कि कुछ वेट कैटेगरी में कई पहलवानों को एंट्री मिली है। ऐसे में रोम रैंकिंग सीरीज में भारतीय पहलवान एक दूसरे के खिलाफ भी मोर्चा संभालते नजर आ सकते हैं। गतिविधियां जो हैं वो धीरे धीरे अपनी पटरी पर वापस लौट रही हैं, तो ऐसे में कुश्ती का खेल भी जो है वो भी वापस लौटता हुआ दिख रहा है और अब इन पहलवानों पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है रोम रैंकिंग सीरीज में किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं। कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, सोनीपत, हरियाणा। पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह अपना अगला मुकाबला कब खेल रहे हैं और भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने किससे बनाई दूरी, ये सब और बहुत कुछ इस स्पोर्ट्स रैप में। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक के खत्म होने तक सोशल मीडिया से वो दूर रहेंगे और अपना सारा ध्यान ओलंपिक पर लगाएंगे। बजरंग 4 से 7 मार्च तक इटली में होने वाली रोम रैंकिंग सीरीज में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। गौरतलब है कि बजरंग इस बात को पहले भी कह चुके हैं कि जब भी कोई बड़ी प्रतियोगिता सामने आती है तो वो तमाम तरह के सोशल मीडिया या फिर मीडिया से खुद की दूरी बना लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान सुनील लुस ने कहा है कि उनकी टीम भारतीय महिला टीम की चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की 7 मार्च से सीरीज शुरू हो रही है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले महीने पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और T20 श्रृंखला जीतने वाली 18 सदस्यीय महिला टीम की अधिकतर खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। विश्व नंबर 1 टेनिस स्टार सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। फेडरर का नाम सबसे ज्यादा 310 हफ्ते तक नंबर 1 पर रहने का रिकॉर्ड है, जिसकी जोकोविच ने बराबरी कर ली है। जोकोविच ने पिछले हफ्ते ही रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। जोकोविच ने मेन सिंगल्स के फाइनल में रूस के वर्ल्ड नंबर 4 डेनिल मेडवेडेव को लगातार सेटों में 7-5, 6-2, 6-0 से हराया था। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ पुरुष और महिला वर्ग में अपने अपने मुकाबले जीतकर युगांडा इंटरनेशनल में चैंपियन बने। पेशेवर मुक्केबाजी में अपने पदार्पण के बाद से अब तक अजेय चल रहे अनुभवी भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह 1 साल से भी अधिक समय के बाद 19 मार्च को गोवा में अपने अगले मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगे। जल्द ही विजेंद्र के प्रतिद्वंदी के नाम की घोषणा की जाएगी। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जमैका के स्प्रिंटर जोहान ब्लैक ने कहा है कि कोविड-19 के लिए अगर वो वैक्सीन लेते हैं तो वो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं ले पाएंगे। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। इससे पहले इसका आयोजन पिछले साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। रोजर फेडरर इस हफ्ते होने वाले मायामी ओपन में हिस्सा नहीं लेंगे। फेडरर अभी भी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीने में वे 2 बार घुटने की सर्जरी करवा चुके हैं। फेडरर 22 मार्च से 4 अप्रैल तक होने वाले मायामी ओपन में अपने खिताब की रक्षा के लिए नहीं उतरेंगे। हालांकि टूर्नामेंट में अन्य शीर्ष खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स और राफेल नडाल हिस्सा ले रही हैं। लंबे समय बाद फेडरर की वापसी अगले हफ्ते दोहा में होने वाले टूर्नामेंट से होगी, हालांकि इसके बाद वे ट्रेनिंग ब्रेक लेंगे। फेडरर ने पिछली बार 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लिया था, जहां उन्हें सेमीफाइनल में जोकोविच के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने WTA सर्किट में जीत के साथ वापसी की है। सानिया ने स्लोवाकिया की अपनी जोड़ीदार आंद्रिजा क्लेपैक के साथ मिलकर नादिया किचेनोक और ल्यूट माइला किचेनोक के यूक्रेन की जोड़ी को हराकर कतर टोटल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और स्लोवेनिया की जोड़ी ने पहले दौर में यूक्रेन की जोड़ी को 6-4, 6-7, 10-5 से हराया। सानिया का 12 महीने में यह पहली प्रतिस्पर्धी मुकाबला था। वे पिछली बार फरवरी 2020 में दोहा ओपन में ही खेली थी, जिसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में टेनिस टूर्नामेंट्स स्थगित कर दिए गए थे। स्पेन की पुलिस ने बार्सिलोना स्टेडियम में छापे की कार्रवाई के बाद फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष जोसेप मारिया सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब क्लब के अध्यक्ष पद के चुनाव में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। यह कार्रवाई पिछले साल के बार्सा गेट प्रकरण के मामले में की गई, जिसमें क्लब के अधिकारियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने उन मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों को बदनाम करने का अभियान चलाया जो क्लब और तत्कालीन अध्यक्ष जोसेप मारिया के आलोचक थे।
पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों का नाम नहीं बताया, लेकिन अध्यक्ष पद के दावेदार जोआन लापोर्ता ने स्पेन की मीडिया की खबरों में पुष्टि की है कि जोसेफ मारिया हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल हैं। स्पेनिश लालीगा में रियाल मैड्रिड और रियाल सोसीदाद के बीच खेला गया मुकाबला एक एक से ड्रॉ रहा। इस मुकाबले के पहले हाफ में मैड्रिड का जोरदार खेल नजर आया और टीम ने आक्रामक खेल दिखाते हुए सोसीदाद के डिफेंस को भेदने के कई प्रयास किए। मैच के 55वें मिनट में रियाल सोसीदाद की तरफ से गोल देखने को मिला। बहरहाल खेल खत्म होने से थोड़ी ही देर पहले रियाल मैड्रिड ने भी बराबरी का गोल दागने में सफलता हासिल की। रियाल की ओर से ये गोल विनीशियस जूनियर ने किया, जिनका रियाल मैड्रिड की ओर से ये 100वां मुकाबला भी रहा। इस ड्रॉ के बाद रियाल मैड्रिड का सभी तरह की प्रतियोगिता में 5 मैच से चला आ रहा जीत का सफर रुक गया है। प्रीमियर लीग में एवर्टन ने साउथहैम्पटन को 1-0 से मात दी। इस जीत के साथ एवर्टन चौथे स्थान पर मौजूद वेस्टहैम से सिर्फ 2 अंक की दूरी पर है। एवर्टन ने प्रीमियर लीग में शीर्ष 4 में जगह बनाने की अपनी उम्मीद जिंदा रखी है। कार्लो एंचेलोटी की टीम को 6 घरेलू लीग मैच में पहली बार जीत मिली है। एवर्टन की ओर से रिचार्लिसन ने गोल किया। गुडिसन पार्क में एवर्टन को पिछली कामयाबी आर्सेनल के खिलाफ मिली थी, जब उन्होंने क्रिसमस से पहले जीत दर्ज की थी। एवर्टन ने घर पर लगातार 3 हार का सिलसिला तोड़ने में कामयाबी पाई है। इटली के सेरिया क्लब यूडिनीज ने रविवार को एंटी कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक नया उपकरण टेस्ट किया। क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम को दर्शकों के लिए सुरक्षित बनाना चाहते हैं। रीस्टार्ट डिवाइस का पहला टेस्ट यूडिनीज और फियोरेंटिना के मैच के दौरान किया गया। टेस्ट के दौरान 300 से ज्यादा लोगों को एक डिवाइस दिया गया, जो पहनने वाले को और स्टूवर्ड्स को संकेत देता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं स्टेडियम में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी ये डिवाइस मदद करता है। चीन के फुटबॉल जगत में उस वक्त भूचाल आ गया जब चीन की सुपर लीग चैंपियन जियांगसू फुटबॉल क्लब के मालिकों ने घोषणा कर दी कि वे तुरंत प्रभाव से अपने सारे कामकाज बंद कर रहे हैं। क्लब के आधिकारिक वी चैट अकाउंट पर घोषणा की गई कि क्लब में स्वामित्व रखने वाले सभी लोग और ग्रुप्स तुरंत प्रभाव से काम करना बंद कर रहे हैं। क्लब में मालिकाना हक रखने वाली कंपनी फरवरी में ही ये साफ कर चुकी थी कि वे अपने मुख्य व्यापार पर ही ध्यान देंगे। लिवरपूल और स्कॉटलैंड के पूर्व फॉरवर्ड इयान सेंट जॉन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। सेंट जॉन 1961 में अपने गृहनगर की टीम मदरवेल से लिवरपूल में 37,500 पाउंड में आए थे, जो कि एक क्लब रिकॉर्ड था। उन्होंने लिवरपूल के लिए 425 मैच खेले और 118 गोल किए। उन्होंने शीर्ष स्तर पर 2 खिताब जीते। 1965 में लिवरपूल की एफ ए कप जीत में उन्होंने विजयी गोल किया था। उन्होंने स्कॉटलैंड के लिए भी 21 मैच खेले, वहीं मदरवेल और पोर्ट्समाउथ को मैनेज भी किया। वे टीवी एक्सपर्ट के रूप में भी काफी सफल रहे। 6 देशों के 83 धावकों ने साइबेरिया के सब जीरो तापमान का सामना करते हुए बाइकल आइस मैराथन में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने मैराथन और हाफ मैराथन की दूरी नापते हुए रूस के इरकुट्स्क में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील के जमे हुए पानी को भी पार किया। कुछ प्रतिभागियों के लिए ये रेस एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि अपनी क्षमता को परखने का मौका था। इस साल मौसम एथलीट्स पर कुछ मेहरबान रहा। हमेशा की तरह चलने वाली बर्फीली हवाओं और बर्फ के तूफान के स्थान पर प्रतिभागियों को सूखा और धूप वाला मौसम मिला। 42 किलोमीटर की मुख्य रेस एलेक्सी स्मर्टिन ने जीती, जो रूस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। मैराथन जीतने के बाद स्मर्टिन ने कहा कि फुटबॉल के मैदान पर उन्होंने जो भाग दौड़ की, उससे रेस के लिए उनकी शारीरिक शक्ति काफी बढ़ गई। फॉर्मूला 1 ने बहरीन का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है जिसमें प्री सीजन टेस्टिंग और इस साल की ओपनिंग ग्रॉप्री में हिस्सा लेने जा रहे सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की बात की गई थी। बहरीन के मुताबिक ये प्रस्ताव उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा था, जो वे देश में होने जा रहे इवेंट्स पर भी लागू कर रहे हैं। फॉर्मूला 1 के प्रवक्ता ने कहा कि फॉर्मूला 1 का एक ग्रुप के तौर पर वैक्सीनेट होने का कोई इरादा नहीं है।
वे यूके में हेल्थ सिस्टम के तहत वैक्सीन प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। फॉर्मूला वन का मुख्यालय यूके में है, वहीं 10 में से 8 टीम यूके में है या फिर उनका कामकाज यूके में है। बहरीन का ऑफर वॉलेंटरी है और ये F1 से जुड़े उन लोगों या मीडिया के लिए है जो 12 से 14 मार्च तक होने वाली प्री सीजन टेस्टिंग और फिर 2 हफ्ते बाद सीजन की पहली बहरीन ग्रां प्री में हिस्सा लेने जा रहे हैं। कई हफ्तों की कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस के बाद 60 देशों के 570 रोअर्स ने 2021 वर्ल्ड रोइंग वर्चुअल इंडोर चैंपियनशिप की 96 कैटेगरी में हिस्सा लिया। कोरोना वायरस महामारी के चलते यात्रा प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऐसे में वर्ल्ड रोइंग ने पहली बार अपनी सालाना चैंपियनशिप को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया। प्रतिभागी दुनिया के किसी भी हिस्से से इसमें भाग ले सकते थे, बशर्ते उनके पास एक रोइंग मशीन हो। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।